अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन अबाउट टीथ एंड माइक्रोब्स। मैंने आपको थोड़ी बहुत फंक्शंस बताई थी टीथ की और थोड़ा इंट्रोडक्शन भी दिया था माइक्रोब्स के बारे में। आज हम आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ेंगे अबाउट आवर सेट्स ऑफ टीथ। तो ड्यूरिंग आवर लाइफ टाइम, हम ह्यूमन बीइंग जो होते हैं, हमारी लाइफ टाइम में टू सेट्स ऑफ टीथ डेवलप होते हैं। तो एक सेट को हम बोलते हैं टेम्पररी टीथ और दूसरे सेट को हम बोलते हैं परमानेंट टीथ। ड्यूरिंग आवर लाइफ टाइम ह्यूमन बीइंग जो होते हैं, इनमें दो तरह के दांत प्रेजेंट होते हैं। तो जो हमारा पहला आता है टेम्पररी टीथ, टेम्पररी टीथ को हम बोलते हैं मिलिक टीथ भी। तो टेम्पररी टीथ में हमारे क्या आते हैं, आप देखते होंगे जब एक बच्चा पैदा होता है, न्यू बॉर्न बेबी एट टाइम ऑफ हिज बर्थ, आप देखोगे पहले कुछ मंथ्स में उसके मुंह में कोई भी दांत प्रेजेंट नहीं होता है, उसके माउथ में कोई भी टूथ प्रेजेंट नहीं होता है। बट विद द पसेज ऑफ टाइम एट द एज ऑफ 6 मंथ्स का जब एक बच्चा हो जाता है तो उसके माउथ में फर्स्ट टूथ डेवलप होता है। तो उसके बाद क्या होता है, जो टीथ होते हैं इसके माउथ में डेवलप होना स्टार्ट होते हैं। तो एट द एज ऑफ 2 ईयर्स, जब एक बच्चा 2 साल का होता है तो उसके माउथ में टोटल नंबर ऑफ टीथ जो होते हैं वो 20 होते हैं। और उन टीथ को हम क्या बोलते हैं, उन टीथ को हम मिलिक टीथ बोलते हैं और वो 20 होते हैं एट द एज ऑफ 2 ईयर्स। तो उसके बाद दीज आर कॉल्ड एज टेम्पररी टीथ, क्योंकि ये परमानेंटली हमारे माउथ में प्रेजेंट नहीं रहते हैं ड्यूरिंग आवर लाइफ टाइम। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये टेम्पररी टीथ और मिलिक टीथ जो होते हैं ये फॉल होते हैं और इनको रिप्लेस किया जाता है किन से, बाय परमानेंट टीथ। तो बाय द एज ऑफ 6 और 7 ईयर्स, जब हमारी एज जो होती है 6 और 7 ईयर्स की होती है, जब हम 6 साल और 7 साल के हो जाते हैं तो हमारे जो मिलिक टीथ है ये गिरने शुरू होते हैं और इनको रिप्लेस कौन करते हैं, परमानेंट टीथ। तो उसके बाद जो टीथ आते हैं उनको हम बोलते हैं परमानेंट टीथ। तो हमारे माउथ में कितने टीथ होते हैं परमानेंटली, 28 टीथ प्रेजेंट होते हैं एट द एज ऑफ 12। जब हम 12 साल के हो जाते हैं तो हमारे माउथ में 28 टीथ प्रेजेंट होते हैं, दे आर कॉल्ड एज परमानेंट टीथ, उनको हम परमानेंट टीथ बोलते हैं। तो उसके बाद क्या होता है एट द एज ऑफ, लेकिन आप सबों ने सुना होगा दैट जो एक अडल्ट होता है उसके माउथ में 32 टीथ प्रेजेंट होते हैं। तो जब हम 21 ईयर्स के होते हैं तो हम में विजडम टीथ डेवलप होते हैं। तो तब जाकर हमारे माउथ में पहले 28 प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जब हम अडल्टहुड में चले जाते हैं दैट मीन्स 21 ईयर्स के हो जाते हैं तो हम में कितने टीथ प्रेजेंट होते हैं, फिर 32 टीथ प्रेजेंट होते है।